जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को और तेज करती जा रही हैं। यूपी में जहां पीएम मोदी ने रविवार को मेरठ से हुंकार भरी, तो वहीं अब तीसरा मोर्चा बनकर भी तैयार हो गया है, जो अब इंडिया गठबंधन की धड़कनें तो बढ़ाएगा ही, साथ ही बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। पर तीसरे मोर्चे से सबसे ज्यादा नुकसान सपा को हो सकता है। सपा का दामन छोड़ने वाली अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अब ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है। जहां सपा PDA स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरी थी, तो अब पल्लवी पटेल और ओवैसी ने अब तीसरा मोर्चा PDM बनाया है। ओवैसी साहब, सवाल ये है, एक मिनट, आप बहुत लोकप्रिय हैं मुसलमानों में, रामपुर मुरादाबाद कई ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान आपको अकेले जिता सकते हैं, तो आप हैदराबाद छोड़कर यूपी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं और ट्राई कर लेते हैं एक बार आप? नहीं, मैं तो आपको कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूं। नहीं, मैं पत्रकार हूं। मैं आपको लीडर बनाना चाह रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे मुराद आप पर्सनली मत लीजिए। हम यहां पर इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने। नहीं, मकसद हमारा ये है, हम अपने लिए नहीं आ रहे हैं, अपनी जाती मकबूलियत के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए। मेरा सवाल सर, एक मिनट सर, जैसे मोदी जी, एक मिनट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जैसे मोदी जी आए, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा है, आप भी यूपी से लड़ लीजिए, सारे मुस्लिम जो हैं एक तरफा आपको वोट कर देंगे आपकी मोहब्बत में। नहीं, मुझमें और मोदी में जमीन आसमान का फर्क है, दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते मेरे भाई। ये मोर्चा सीधा सीधा सबसे ज्यादा अखिलेश की ही मुश्किलें बढ़ाएगा। वो ऐसे कि तीसरे मोर्चे का मकसद भी वही है जिसे अखिलेश ने अपनाया था, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की माने तो इससे यूपी में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। चुनाव में एक और जाने वाले वोट बट जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल बीजेपी को भी हो सकती है। जैसा कि अखिलेश यादव अभी झटकों से उबर ही नहीं पाए थे कि तीसरे मोर्चे ने एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मोर्चे के जरिए देखा जाए तो ओवैसी की भी यूपी की राजनीति में एंट्री हो गई है। जानकारी के अनुसार पल्लवी पटेल ने इससे पहले बसपा से बात भी की थी, लेकिन सीटों के पेच फंसने को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बन पाई, लिहाजा फिर ओवैसी से मुलाकात कर ये तीसरे मोर्चे पर सहमति बन पाई। अब ये तीसरा मोर्चा यूपी की सियासत में क्या दखलंदाजी कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।